और सुबह सुबह पी लिया था ये अपराजिता का पानी, जो कि काफ़ी फायदेमंद होता है और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तो मैंने सोचा सुबह उठ के इसका पानी पी लेती हूँ आज। नमस्कार दोस्तों, मैं निशी वोरा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो देखिए, आज का मौसम इस तरह से है कि बहुत बादल हुए हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। आप लोगों के यहाँ बारिश का मौसम कैसा हो रहा है, यानी कि बरसात कितनी हो रही है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो ज़्यादा बारिश अभी हो नहीं रही है, तो देखते हैं अभी क्या होता है शाम तक। ये देखिए तो प्यारे प्यारे से नींबू आए हुए हैं, और भर भर के नींबू आए हुए हैं। इस बार भी पूरी टहनियाँ ही झुक गई हैं, ये देखिए। और इस पेड़ में तो काफ़ी नींबू अभी मेरे पुराने भी हैं, तो काफ़ी काम चल रहा है इन नींबुओं से। देखिए उतने भर भर के हैं अभी तो। अब बना लिए चाय अदरक वाली, तो पीती हूँ वहाँ बैठ के। बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे बैठना। और हमारे यहाँ के मौसम का हाल कुछ इस तरह से है। देखिए कितना कोहरा उड़ के आ रहा है, और बहुत इस तरफ को काला काला मौसम हो जाता है। सुबह और शाम आजकल इसी तरह का मौसम रहता है। अब देखते हैं बरसात होती है या नहीं, लेकिन हल्की हल्की सी बूंदें तो पड़ रही हैं फेस पे। और ये है अपराजिता, जिसका कि सुबह सुबह उठ के मैंने आज पानी पिया था, क्योंकि काफ़ी फूल खिले हुए थे, तो मैंने सब तोड़ लेती हूँ, सूख ही जाते हैं। कल इसको हमने बड़े गमले में शिफ्ट किया, पहले ये छोटे गमले में थी, तो अभी बड़े गमले में शिफ्ट किया है कि अच्छी सी इसकी एक बेल हो जाएगी। और ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल खिलते हैं अपराजिता में। और अभी यहाँ पर भी मैंने 3-4 गमले रख दिए हैं, इनकी सब कर दी है गुड़ाई, क्योंकि बरसातों में अगर गुड़ाई कर दो ना तो अच्छे अच्छे से फूल खिलते हैं। अब मैं खिला के आती हूँ गाय को रोटी, तो रोटी खिलाने जाते हैं और कराती हूँ आप लोगों को गौ माता के दर्शन। ये देखो खुशी खुशबू का भालू। खुशी खुशबू इससे क्या कहते थे पता है? भालू भालू। ओए 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 ओए, किसका भालू बन गया ये? खुशू, वो देखो खुशू आ गई। वो देखो खुशू को ढूंढ रहा है। कुछ भी हेलो हेलो बोल दे, छपको हेलो बोल देगा, छपको हेलो बोल देगा। ये देखो भाई, ये बच्चा बहुत शैतान हो रहा है आजकल, इतना ज्यादा हो रहा है ना ये शैतान। देखो तो छपको हेलो बोल रहा है, हेलो। हाँ, और आजकल इसने पता है क्या स्टाइल सीखी है? कर दे, दिखा दे, छपको दिखा दे, छपको दिखा दे। ये देखो, ये देखो भाई, इतना शैतान हो रहा है ना ये। मैं भी आता हूँ कह रहा है गाय को रोटी खिलाने के लिए। अभी जाएगा, थोड़े दिनों के बाद जाएगा। हाँ, जब थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सोफे में आराम से बैठा है गद्दी लगा के। गुनुआ कुछ 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 कुछ, जय कर रहा आप सभी को। बाय, मैं जा रही हूँ। बाय कर दे, बाय कर दे, बाय, मैं जा रही हूँ, बाय। ये देखो तो आज 2 दिन हो गए मैंने आड़ू खाए नहीं। ये वाला खा लूँ क्या? ये वाला खा लेती हूँ। इतने हो रहे हैं ना तोड़ने के बिना, वैसे ही रह जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, और खाने का कुछ वो ही नहीं होता। बच्चे यहाँ थे, सब जने मिल के बैठ के नमक लगा के खाते थे, सब चले गए हैं। सुनीता का तो ऐसा ही हुआ, कहाँ होती है इसको फुर्सत, मुझे नहीं होती है फुर्सत। तो देखो तो ये आप लोगों को खाने हैं क्या? आइएगा खाने के लिए। कहाँ? आड़ू में ना पड़े। ना ना, इसमें तो नहीं पड़े होंगे, ये तो टाइट है। वैसे आड़ुओं में कीड़े पड़ जाते हैं ना जब कच्चे रहते हैं। चलो इसको मैं खा लेती हूँ फिर धो के। बहुत मीठे हो रहे हैं, पक गए हैं ना अब। ये देखिए, ये गौ माता, ये छोटी सी है बछिया, और वो है बकरी। गाय माता को पता है ये कुछ लेके आती है, तो इसलिए आते ही ना उड़ जाती है। जय हो मैया। देखो यहाँ पर पता है इतने अच्छे से रखते हैं गायों को।
और गौ माता के दर्शन मात्र से ही दिन बहुत अच्छा निकलता है। जो भी जिससे भी गौ सेवा हो सकती है वो करें। और प्लीज मेरी आप सभी से निवेदन है कि गाय का दूध पीने के बाद उसे जंगलों में ना छोड़ें, और आवारा जैसे कि बाजारों में छोड़ देते हैं या किसी को सौंप देते हैं तो ऐसा मत करिए। डब्बे में जब तक उसमें दूध देने की क्षमता थी आपने उसे पाला और उसने आपके परिवार को पाला है, तो इसलिए उसको भी आपका फर्ज बनता है कि लास्ट तक उसे पालें और भूसा हो या घास हो जो भी है उसे दें और उसकी सेवा करें, क्योंकि वो भी आपके परिवार का एक हिस्सा है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है जिन्होंने गाय पाली है। वो तो दिव्या को क्या हो गया? क्या हो गया बाबू? दिव्या क्या हुआ? देखो तो ये हाथ ऐसा हो गया इसका, क्या हुआ था ये? हैं, आज तो ये बोल भी नहीं रही है, क्या हो गया था बाबू? हैं, इसके पता है हाथ में ना लग गई है, ये देखो तो प्लास्टर हुआ है बाबू को। और एक ये भी तो है गुन्ना बाबू, ये देख एक बाबू ये भी है। कैसे ये ना अभी सो के उठा है ना, इसलिए इतना उदास उदास है, नहीं तो ये भी बहुत भालू है। आजकल सबका नाम भालू भालू रखा हुआ है ना, है ना? ये देखो ये नातनी मेरे पास आके दुबक गई है। दुबक बोल फिर जोर से बोले, हैं हाथ में लग गई, कैसे हैं गिर गई? शैतानी का फल है ये देखो इसकी। मैं आ गई हूँ अब घर पे, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, यानी कि बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो छत पे मैं कपड़े उठा के लाती हूँ क्योंकि थोड़े बहुत तो सूखे हुए हैं। बारिश देखो तो बहुत तेज़ झमाझम सी होने वाली है, लग रहा है बारिश। ओहो मेरे पता वहाँ जाने तक ही इतना कपड़े मेरे भीग गए हैं छत में, तो उठा लेती हूँ फटाफट से। यहाँ डाल दिए हैं कपड़े सारे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई है, थोड़े बहुत भीग भी चुके हैं। और जैसी बरसात होती है तो आ जाता है जैकी भी अंदर, इसको फिर कोई मतलब नहीं रहता, चाहे कोई बंदर आए या कुछ हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भैया जी, इनको तो सोना है तो सोना है। ये देखो आ जाओ भाई, खाओ कोई कुछ करो, इन्हें आराम करना है। ये है कलयुग के डॉगी, कलयुग का जैकी है ये हमारा, जिसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फाइनली आज बारिश थोड़ी थोड़ी हो चुकी है क्योंकि ना पौधों में भी थोड़ी सी जान आ जाती है बरसात होते ही, और वैसे मैंने साइड रखे हैं प्लांट, उन्हें भी मैं ना थोड़ी देर बरसात में रखूँगी क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़रूरी है। और अब बना लेती हूँ चाय अदरक वाली, ऐसा मौसम हो और अदरक वाली चाय मिल जाए तो क्या कहने। आग जला दी है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया ना, पहाड़ों में तो बारिश होते ही ठंडा हो जाता है, तो जला दिए मैंने आग, थोड़ी देर सेकती हूँ और यहीं पर पीती हूँ चाय। जला दिए मैंने आग और आग भी सेक लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। बरसात में भीगने के बाद ना चाय के मजे कुछ और होते हैं पीने के। और टेस्टी टेस्टी अदरक वाली चाय पीने के बाद मैंने कर दी थी पूजा पाठ, और शाम के वक्त ना दिया जल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है, तो कर लीजिए आप भी मंदिर के दर्शन। और पूजा करने के बाद मैंने मंदिर में पूजा करने के बाद लगा दिया था तुलसी में भी दिया, और बाहर ना बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बड़ा मुश्किल से दिया जल रहा था, लेकिन वहाँ पर दिया मैंने रखने का बनाया है तो उसके अंदर ना पूरी रात जलता रहता है जब तक उसमें तेल खत्म नहीं होता है, उसके बाद हमने बनाया। आज हमारा बन रहा है पिज्जा, तो ये बना दिया है पिज्जा बेस, और वो घर पे ही बनाया है, ऊपर से डाल दिया ये सॉस, ये काट रखी है वेजेस, ये पनीर, और थोड़ा सा इसमें डाली है ये चीज स्लाइस ना, चीज स्लाइस डाली है, राहुल बना रहा है तो अब देखते हैं कैसा बनता है। ये टमाटर फैला दिए इसमें, और प्याज, प्याज वैसे चौकोर टुकड़ों में काटे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, अब डाल दिए शिमला मिर्च, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, कभी घर पे बना के देखिएगा आप लोग। अब ये डाल दिए हैं पनीर के पीसेस जो कि मैरिनेट कर रखे हैं, और आज बच्चे नहीं है ना घर पे तो मज़ा नहीं आ रहा बनाने में, क्यों रहे है ना। अब डालेंगे हम इसमें मोज़रेला चीज़, ये देखिए इसको अच्छे से फैला देंगे,
और पता है एक चीज़ आज नहीं है रोहित, कौन ना कौन होते तो और मज़ा आ जाता, इतना ही बहुत है ना। और ये ओटीजी को कर दिया है सेट, गरम कर रखा है तो रखते हैं इसमें। ये देखिए सुपर टेस्टी पिज्जा होममेड। अब इसमें डालेंगे हम ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स भी, चिली फ्लेक्स डाल रहा है। अच्छा चिली फ्लेक्स डाल रहा है। ये डल गया है गरम गरम में चिली फ्लेक्स। मार्केट से लान तक तो कितना ठंडा हो जाता है ना पिज्जा यहाँ पहुँचने तक, लेकिन ये वाला देखिए ये ऑरिगेनो, ये हो गया ऑरिगेनो। ये देखो और ये देखिए कितना टेस्टी टेस्टी पिज्जा बन के तैयार हो गया था। और आज मैंने पिज्जा कटर भी मंगाया था तो जिससे ना काटने में बहुत आसानी होती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया, बनाइएगा। तो आ गई हूँ आज के वीडियो के एंडिंग में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।